क्लास 11 चैप्टर 12 सीक्वेंस एंड सीरीज एक्सरसाइज 12.3 फाइंड क्वेश्चन नंबर 6.5 फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर ओड प्राइम नंबर इवन प्राइम नंबर। इसका मतलब हमें सम निकालना फर्स्ट नेचुरल नंबर का, फर्स्ट ओड नंबर ओड प्राइम नंबर का और इवन प्राइम नंबर। तो पहला हम पहला पार्ट कर रहे हैं, पहले पार्ट में हम क्या करेंगे 1, 3, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ये फर्स्ट नेचुरल नंबर लेंगे हमने एल, ए की वैल्यू एक आ गई, डी की वैल्यू 2 - 1, 1 आ गई, डी इक्वल टू 1 और नंबर ऑफ टर्म यहाँ पे एन है। एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस फार्मूले में हम ए की वैल्यू रख देंगे 1, डी की वैल्यू रख देंगे 1 और सोल्व कर देंगे इसको, ये आ जाएगा 2 प्लस एन माइनस 1, 2 में से एक गया 1 तो ये आ गया एन बाई 2 एन प्लस 1, इसका आंसर आ गया। बिल्कुल ऐसे ही सेकेंड पार्ट करना 1, 3, 5, क्योंकि 1, 3, 5 ओड प्राइम नंबर ले रहे हैं, तो 1, 3, 5, 7 ऐसे ओड प्राइम नंबर लेंगे तो उसमें हमारा जो नंबर आएगा इस सीरीज का हम सम करेंगे उसमें फर्स्ट टर्म तो आएगी 1, डी आएगा सेकेंड माइनस फर्स्ट टर्म, डी की वैल्यू आएगी 2, नंबर ऑफ टर्म होंगी एन। फार्मूले में एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन बाई 2 एज इट इज, ए की जगह हमने 1 रख दिया, डी की जगह 2 रख दिया, सोल्व कर दिया, ये सोल्व कर दिया एन स्क्वायर। बिल्कुल ऐसे ही इवन नंबर ले रहे हैं 2, 4, 6 एंड सो ऑन एंड टर्म, ए की वैल्यू 2, डी की वैल्यू 4 - 2, डी इज इक्वल टू 2 आ गया, एन इज इक्वल टू एन, नंबर ऑफ टर्म एन है, एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी की जगह 2, ए की जगह 2 रख दिया, एन बाई 2, 4 प्लस 2 एन माइनस 2, एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2, 2n प्लस 2, इसमें से 2 कॉमन लिया, 2 से 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, n इंटू एन प्लस 1 इसका आंसर आ गया। तो इस तरीके से हमारे तीनों पार्ट के आंसर फर्स्ट सेकंड थर्ड आ गए। तो पहला काम है सीधी लिखिए, फिर a एंड d निकालिए, फार्मूले में रखिए बस दैट्स ऑल। 7 का थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट इसलिए किया है ये थर्ड पार्ट इसके 7 के सभी पार्ट में सबसे इंपॉर्टेंट है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। फाइंड सम ऑफ द नेचुरल नंबर बिटवीन 100 एंड 1000 विच आर डिविजिबल बाय 5 से डिविजिबल होने वाले 100 और 1000 100 और 1000 के बीच में जो नंबर आ गए बिटवीन दिया हुआ है, तो वे नंबर लिख लेंगे 105 110 115 995। ये लास्ट टर्म है इसकी, फर्स्ट टर्म आ गई आपकी 105 105, डी आ गई आपकी 5 और एन आ गया 995। हमने नंबर ऑफ टर्म नहीं हमें इसमें पता नहीं, तो नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए हम पहले एल का फॉर्मूला लगाऊंगे, एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 995 105 रख दिया ए की वैल्यू, लास्ट टर्म हमारी जो एल है वो 995 है, एन माइनस 1, डी की वैल्यू 5 रख दी, 995 में से एल इट इज लिखा और 105 एल इट इज, 5 और माइनस 5, 105 में से 5 गए तो 100 बच गए, ये 100 इधर माइनस हो जाएगा तो 895 बच जाएगा। इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो इसके नंबर ऑफ टर्म आओगी 179। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में 5 से डिविजिबल होने वाले जो नंबर ऑफ टर्म है वो 179 है। अब हम इनका सम निकालेंगे, एन बाई 2 ए प्लस एन, एन की वैल्यू अभी निकाल दी हमने 179, ए की पहले से पता दी हमें 105, एन की पहले से पता दी हमें 995, 179/2 इन दोनों प्लस करा ये आ गया 1100, इसको 2 से डिवाइड कर दिया 550 की 179 मल्टीप्लाई कर दी 98450 का आंसर दिया। दैट्स ऑल, आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसकी एक्सरसाइज की फोटो मैंने आपको भेज रखी ताकि आपको अगली वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।